हॉलीवुड की वो कौन सी मूवी है जो बॉक्स ऑफिस पर कमाल धमाल कर रही है, रिया चक्रवर्ती की कौन सी वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और भी बहुत सारी बातें हैं। आप साथ रहो, शुरू करते हैं आज का बीट डाउन। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के शो बिग बॉस 16 का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये शो अक्टूबर के पहले वीक में शुरू हो जाएगा। साथ ही शो के मेकर्स ने सेलिब्रिटीज को अप्रोच करना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक शिल्पा शेट्टी के पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा को भी इस शो में देखा जा सकता है। राज कुंद्रा और शो के मेकर्स के बीच में बातचीत हो रही है, साथ ही राज कुंद्रा शो में पार्टिसिपेट करने का सोच भी रहे हैं। राज कुंद्रा पिछले साल यानी कि 2021 में पोर्नोग्राफी केस को लेकर चर्चा में रहे थे। उस केस में उन्हें 2 महीने जेल में भी रहना पड़ा था। राज कुंद्रा ने कुछ दिन पहले ही एक कोर्ट में याचिका दर्ज की थी कि उन्हें इस केस से रिहा कर दिया जाए क्योंकि उनका पोर्नोग्राफी से कोई कनेक्शन नहीं है। राज कुंद्रा और शो के मेकर्स को लगता है जो सच है वो सबके सामने आना चाहिए। राज कुंद्रा को बिग बॉस के जरिए ये मौका मिलेगा। आमिर खान स्टारर फिल्म लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस फिल्म में करीना कपूर और मोना सिंह को देखा जा सकता है। लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं कर पाई। इस फिल्म का बजट करीब 180 करोड़ था, लेकिन पिछले 10 सालों में आमिर खान की फिल्म सबसे कमजोर साबित हुई बॉक्स ऑफिस पर। हालांकि फिल्म के रिलीज से पहले मेकर्स का कहना था कि 6 महीनों के बाद इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करेंगे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर लाल सिंह चड्ढा का न चल पाने की वजह से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म 2 महीनों के बाद ही नजर आएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाल सिंह चड्ढा 20 अक्टूबर 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो जाएगी। हिंदी सिनेमा में दिलवाले और दिलजले जैसी कई सुपरहिट फिल्म देने वाले बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर करण राजदान फिल्मी दुनिया में वापसी कर रहे हैं। हाल ही में करण के डायरेक्शन में बनी फिल्म हिंदुत्व चैप्टर 1 मैं हिंदू हूँ का पोस्टर रिलीज हुआ। करण राजदान की फिल्म हिंदुत्व काफी सालों से चर्चा में है। हिंदुत्व का सबसे पहले एक पोस्टर रिलीज हुआ था जिसमें फिल्म के लीड एक्टर आशीष शर्मा शंख बजाते हुए दिख रहे हैं। साथ ही हाल ही में आशीष शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हिंदुत्व फिल्म का एक पोस्टर रिलीज किया है। इस फिल्म में आपको अंकिता राज, सोनारिका भदौरिया की झलक भी देखने को मिलेगी। इस पोस्टर के साथ एक खुलासा ये भी हुआ है कि करण राजदान की फिल्म 2 भागों में रिलीज की जाएगी, जिसमें हिंदुत्व चैप्टर 1 मैं हिंदू हूँ इस मूवी का पहला भाग होगा। और इस फिल्म की शूटिंग की बात करें तो इसकी शूटिंग पिछले साल खत्म हो गई थी। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की नाती नव्या की पर्सनैलिटी सुहाना खान, अनन्या पांडे, शनाया कपूर जैसे स्टार किड्स जैसी नहीं है, उनसे बिल्कुल अलग है। नव्या को शौक करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इस उम्र में समाज सेवा में काम कर रही है। साथ ही नव्या ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो एक्टिंग में करियर न बनाकर अपने पापा के बिजनेस को ही आगे बढ़ाएंगी। पिछले कुछ टाइम से नव्या और सिद्धांत चतुर्वेदी की रिलेशनशिप की बातें चर्चा में थी, लेकिन कॉफी विद करण सीजन 7 में सिद्धांत चतुर्वेदी ने ये क्लियर कर दिया है कि वो सिंगल है, यानी कि नव्या के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। इंडिया में हॉलीवुड फिल्मों का क्रेज है, खास करके ये फिल्म मार्वल सुपर हीरोज की हो। मार्वल की फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया के साथ साथ इंडिया में भी देखने को मिलती है, जिससे हॉलीवुड की फिल्में हमारे देश में भी अच्छा बिजनेस करती है। लेकिन हॉलीवुड की फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम एक ऐसी फिल्म है जो रिलीज के 9 महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम हॉलैंड की इस फिल्म की कमाई के आंकड़े को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस फिल्म ने रिलीज के पहले वीकेंड में ही $6 मिलियन की कमाई की है। लंबे समय से सुनील शेट्टी की बेटी एक्ट्रेस अथिया शेट्टी और क्रिकेटर के एल राहुल की शादी चर्चाओं में है। अब शादी की फाइनली तैयारी शुरू हो चुकी है, कुछ महीने में ही वो शादी करने वाले हैं। सुनील शेट्टी अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे। बॉलीवुड के सभी स्टार्स को बुलाने की योजना है। शादी को लेकर सबसे बड़ी अपडेट ये है कि वेन्यू भी फाइनल हो चुका है। कहा जा रहा है अथिया और राहुल किसी आलिशान 5 स्टार में शादी न करके अपने खंडाला वाले बंगले में ही शादी करेंगे। साथ ही ये भी कहा गया है कि शादी की डेट के एल राहुल फाइनल करेंगे, क्योंकि के एल राहुल का शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है। लंबे वक्त के बाद सोशल मीडिया पर रिया चक्रवर्ती को वापस देखा जा सकता है। हाल ही में रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें वो गोल्डन ड्रेस में नजर आ रही हैं।
ललित मोदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का बायो चेंज किया है, जिसके बाद से बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के साथ ब्रेकअप की बातें चल रही है। आईपीएल T20 के फाउंडर ललित मोदी ने पिछले हफ्ते अपने बायो में लिखा था वो अपनी क्राइम पार्टनर सुष्मिता सेन के साथ एक नया जीवन स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन कल उन्होंने बायो में से सुष्मिता का नाम हटा दिया है। साथ ही इंस्टाग्राम पर जो सुष्मिता सेन के साथ फोटो लगा था उसे भी हटा दिया गया है। विजय देवरकोंडा अनन्या पांडे स्टार ऑफ फिल्म लाइगर फ्लॉप होने के बाद विजय देवरकोंडा की आने वाली फिल्म पर भी असर पड़ रहा है। विजय देवरकोंडा की आने वाली फिल्म जनगण मन को 2023 में रिलीज किया जाना था, लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। हमारे देश के केंद्रीय मंत्री अमित शाह कल मुंबई में फिल्म मेकर रोहित शेट्टी से मुलाकात की और उन्होंने एक फोटो ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियन फिल्म हिस्ट्री। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सौगात। डाउनलोड कीजिए एक शॉर्ट मनोरंजन न्यूज ऐप, अभी उपलब्ध है एंड्रॉयड और iOS में भी।